क्लास टू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर टू अल्जेब्रिक ऑपरेशंस एक्सरसाइज नंबर फोर पेज नंबर 39। आवर टॉपिक इज एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विद अ थ्री डिजिट नंबर विद केयरिंग। आवर क्वेश्चन नंबर वन इज सॉल्व द फॉलोइंग। आवर पॉइंट नंबर वन इज 378 + 79। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा राइट हैंड साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड पर आपके पास 8 and 9 लिखा गया है। ओके स्टूडेंट, आप हमेशा राइट हैंड साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास अपर साइड पे 8 है तो 8 लाइंस ड्रॉ कर दें। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें लोअर साइड पे 9 दिया गया है तो 9 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट, अब आप इन तमाम लाइंस को एक साथ ऐड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आंसर आया आपके पास 17। सो स्टूडेंट, 17 के अंदर आपके पास 1 and 7 होता है। सो 17 में आप देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट जो आपका राइट हैंड साइड पे आपका 1s के लाता है, सेकंड डिजिट आपके पास जो है वो 10s के लाता है। सो 1s का आपने 1s की प्लेस पर लिख दिया, सेकंड डिजिट 10s है तो 10s की प्लेस पे यहाँ आपने कैरी करना है 1 ऊपर। ओके स्टूडेंट, अपर साइड पे आपने कैरी करना है। अब आपने इन तमाम नंबर्स को ऐड करना है, मीन्स 1 7 7। अब आप देखें सबसे पहले 7 है तो 7 लाइन्स ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 7। लोअर साइड पर भी 7 है तो 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हैं कैरी किया था अपर साइड पर 1, वो लिख दिया है हमने। अब इन तमाम लाइंस को एक साथ ऐड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर आया आपका 1 5 15। सो स्टूडेंट, 5 जो आपका वो 1s की प्लेस पर है तो ये नीचे लोअर साइड पर लिखा जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, और जो आपके पास 1 दिया है वो 10s की प्लेस पर है तो ये आपके पास कैरी किया जाएगा 1 अपर साइड पर। अब आप देखें 3 में 1 आपने ऐड करना है। सो सबसे पहले देखें आप कैरी का 1 है तो आप 1 यहाँ पर ड्रॉ कर दें, एंड 3 दिया गया है तो 3 लाइंस ड्रॉ की जाएगी। 1 2 3, इन तमाम लाइंस को एक साथ ऐड कर लें। 1 2 3 4, आंसर आया आपके पास 4। 3 + 1 = 4। ओके स्टूडेंट, अब आपने 378 में जब आपने 79 ऐड किया है तो आपके पास आंसर क्या आया है, 457। पॉइंट नंबर टू इज 550 + 70। सो स्टूडेंट, राइट हैंड साइड से आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड पे आपके पास दिया गया है 0 and 0, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे ही आपने 1s to 1s ऐड किया तो आपके पास आंसर 0 है। आपने 1s की प्लेस पर ही 1 0 लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड देखें आपके पास 10s to 10s ऐड करना है, मींस 5 में 7 ऐड करना है। 5 लाइंस ड्रॉ करें सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब 7 है, 7 लाइन ड्रॉ की जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इन तमाम लाइंस को एक साथ ऐड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, आपके पास 1 and 2 होता है। सो स्टूडेंट, 12 का जो आपके पास 2 दिया गया है ये 1 से, और जो सेकंड 1 दिया गया है 10 से, तो 1s की प्लेस पर जो है वो वैल्यू जो है 1s की लोअर साइड पर आएगी, और जो 10s की वैल्यू है वो आपके पास अपर साइड पर लिखी जाएगी। अब आपने 5 में 1 ऐड करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले 1 लिखते हैं, ओके, कैरी वाला जो, और फिर जो है 5 लाइंस ड्रॉ कर दें। अब आप इन तमाम लाइंस को ऐड करें। 1 2 3 4 5 6, आंसर आया आपके पास 6। 5 + 1 = 6। अब आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट। 550 में जब आपने 78 किया तो आपके पास आंसर आया 620।
ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर थ्री में आपके पास दिया गया है 614 प्लस 97 मीन्स आपने 614 में 97 ऐड करना है. ओके स्टूडेंट, सो राइट हैंड साइड से आप हमेशा ऐड करना स्टार्ट करेंगे. राइट हैंड साइड पे आपके पास 4 एंड 7 लिखा गया है, सो 4 लाइन्स ड्रॉ करिए. देन लोअर साइड पर 7 है तो 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. अब इन तमाम लाइन्स को ऐड कर लें. ओके स्टूडेंट, 4 का लोअर साइड अपर साइड पे हमने वैल्यू लिखी, 7 की लोअर साइड पे लिखी है. काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 का आपके पास देखिए जो फर्स्ट जो है 1 वो 1s के लिए आएगा, सेकंड जो 1 लिखा गया है वो 10s के लिए आएगा. तो 1s की वैल्यू हमेशा लोअर साइड पे लिखी जाएगी 1, और जो 10s वाली है वो कैरी कर दिया जाएगा ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने 1, 1 एंड 9 इन तमाम नंबर्स को ऐड करना है. सो स्टूडेंट, 1 अपर साइड वाला लिया, अब ये जो लोअर साइड पे 1 था वो लिया. देन लास्ट में आपके पास 9 है तो 9 लाइंस ड्रॉ करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इन तमाम लाइंस को एक साथ ऐड कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. स्टूडेंट अगेन 11 आया है. सो स्टूडेंट देखें, 11 जो है आपके पास फर्स्ट डिजिट ये आपका 1s के लिए आता है, सेकंड आपका 10s के लिए आता है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया 1s का जो डिजिट है वो हम नीचे लिखेंगे यहाँ, देन 10s की जो वैल्यू आई है आपके पास ये 1 है, यहाँ पर भी ये आपके पास कैरी करना है 1 ऊपर. ओके स्टूडेंट, अब आप ये ऐड कर लें 6 प्लस 1. ओके, 6 में 1 ऐड करना है. सो 1 आपने सबसे पहले लिख दिया, अब 6 लोअर साइड पर तो 6 लाइंस ड्रॉ कर दें. ओके स्टूडेंट, अब इन तमाम लाइंस को एक साथ ऐड कर लें. 1 2 3 4 5 6 7. आंसर है आपके पास 7. तो 6 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7. 614 में जब हमने 97 ऐड किया है तो आपके पास आंसर आ रहा है 711. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर असाइनमेंट. यू विल कंप्लीट द असाइनमेंट एंड सबमिट एट द स्कूल. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.